दोस्तों इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशंस के बारे में समझते हैं बाय समराइजिंग दिस एडिटोरियल। हाल ही में इंडिया और आर्मेनिया वी आर सेलिब्रेटिंग 30 इयर्स ऑफ बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशंस सिर्फ 30 ही साल पुराने हैं। एक्चुअली वी हैव गुड रिलेशंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये चीज यहां से पता लगती है कि मगध एम्पायर के टाइम पे टू प्रिंसेस दे वर अलाउड टू सेट अप अ हिंदू सेटलमेंट इन आर्मेनिया। इतना ही नहीं, चेन्नई वो जगह है जो इंडिया में है, लेकिन ये ब्रीडिंग ग्राउंड बनी थी फॉर आर्मेनियन नेशनलिज्म। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज आर्मेनिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ये जस्ट अगले ही दिन हमने कर लिया था। एंड इन 2018 ड्यूरिंग वेलवेट रेवोल्यूशन, आर्मेनिया के प्रेसिडेंट ने महात्मा गांधी की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए उस रेवोल्यूशन को हिंसक होने से रोका। आज की डेट में लचीन कॉरिडोर और नागोर्नो कारबाख रीजन में चल रही हिंसा की वजह से आर्मेनिया काफी ज्यादा न्यूज में है। यूपीएससी में आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। एंड पूरी वीडियो देखने के लिए फॉलो द स्टडी आईक्यू चैनल और डेली इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस को जरूर देखें।